चार धाम यात्रा के बीच केदारनाथ के लिए जल्द शुरू होगी हेलीकॉप्टर की बुकिंग, जानिए कितना बढ़ेगा किराया। चार धाम यात्रा को लेकर शासन ने कमर कस ली है। चार धाम यात्रा में केदारनाथ हेली सेवा के लिए इस बार भी 9 एविएशन कंपनियों के साथ अनुबंध किया जाएगा। इसके लिए एविएशन कंपनियों से 2 मार्च तक निविदाएं टेंडर मांगी गई हैं। हेली सेवा संचालन के लिए कंपनियों का चयन और किराया तय होने के बाद अप्रैल से ऑनलाइन बुकिंग शुरू होने की संभावना है। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण यूकाडा की ओर से केदारनाथ हेली सेवा के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई है। इस बार भी 9 कंपनियों के साथ ही हेली सेवा के लिए 3 साल का अनुबंध किया जाएगा। इसमें किराए की दरें, हेली सेवा में अनुभव और अन्य तकनीकी मानकों के बाद ही कंपनी का चयन किया जाएगा। यूकाडा का प्रयास है कि मार्च में अनुबंध की प्रक्रिया पूरी कर अप्रैल माह से हेली सेवा की ऑनलाइन बुकिंग शुरू की जा सकती है। इस बार हेली सेवाओं के किराए में 15-20% की बढ़ोतरी संभावित है। बीते 3 सालों से हेली सेवा का किराया नहीं बढ़ा था। सहस्त्र धारा से भी शुरू हो सकती है हेली सेवा। गुप्तकाशी, सिरसी और फाटा में हेली सेवा के लिए यात्रियों की भीड़ को देखते हुए इस बार सरकार का प्रयास सहस्त्र धारा से भी हेली सेवा शुरू करने की है। इसके लिए यूकाडा ने कंपनियों से आवेदन मांगे हैं। अभी तक सहस्त्र धारा से चार्टर्ड हेलीकॉप्टर की सुविधा है। इसमें हेलीकॉप्टर का किराया 3 लाख से अधिक होता है, लेकिन कम किराए में सहस्त्र धारा से हेली सेवा का संचालन करना कंपनियों के लिए संभव नहीं होगा। 3 साल तक यह कंपनियां पहुंचा चुकी हैं केदारपुरी। 2020 से सिरसी फाटा गुप्तकाशी से 9 एविएशन कंपनियां हेली सेवा का संचालन कर रही हैं। इसमें गुप्तकाशी से केदारनाथ के लिए एरो एयरक्राफ्ट और आर्यन एविएशन, फाटा से केदारनाथ के लिए पवन हंस, चिप्सन एविएशन, थम्बी एविएशन और पिनाकल एयर तथा सिरसी से केदारनाथ के लिए एरो एयरक्राफ्ट, हिमालयन हेली और केट्रल एविएशन के माध्यम से हेली सेवा का संचालन किया गया था।